वेलकम टू क्लियर कॉन। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे नंबर्स के बारे में जिन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को हिंदी में कहते हैं अविभाज्य संख्याएं। अविभाज्य संख्याएं का मतलब है ऐसी संख्याएं जो डिवाइड ना हो सकें, वो सिर्फ डिवाइड होती हैं खुद से और एक से। तो ऐसे सभी नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, और बाकी के सारे नंबर्स को हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर, यानी विभाज्य संख्याएं। वो जो नंबर्स होते हैं वो खुद के अलावा और भी कई दूसरे नंबर्स से डिवाइड होते हैं। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे पता करते हैं कि कोई एक नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। उसके लिए आपको कुछ बातें जान लेना ज़रूरी है। तो किसी भी नंबर के एंड में अगर आपको 0, 2, 4, 5, 6 और 8 देखने को मिलता है तो वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा, सिर्फ 2 और 5 को छोड़कर, एक्सेप्ट 2 एंड 5। यानी 2 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर बात करूं तो 22 एक प्राइम नंबर नहीं है, 25 एक प्राइम नंबर नहीं है, 625 एक प्राइम नंबर नहीं है, पर 5 हमारा एक प्राइम नंबर है, 2 हमारा एक प्राइम नंबर है। तो ये आपको याद रखना है। और अगर कोई नंबर एक प्राइम नंबर है तो उसके एंड में 1, 3, 7, 9 ये हो सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि हर जो नंबर हो वो प्राइम नंबर हो जिनके एंड में ये नंबर्स आते हो, लाइक 1, 3, 7, 9, वो प्राइम नंबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। पर प्राइम नंबर के एंड में इन नंबर्स के अलावा, 1, 3, 7, 9 के अलावा दूसरे कोई और नंबर नहीं होंगे। अब देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स और वो तरीका हम जानने की कोशिश करते हैं जिसकी मदद से हम प्राइम नंबर्स को ये पता करना है कि ये जो नंबर हमें दिया गया है ये प्राइम नंबर है या नहीं है। देखिए, प्राइम नंबर काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर होते हैं क्योंकि इनकी कोई सीरीज नहीं है, ये बहुत ही रैंडम होते हैं, तो इन्हें आइडेंटिफाई करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। पर इस टेक्निक की मदद से आप बड़ी आसानी से, हमें पता करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, तो कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले स्टेप आपको ये फॉलो करना है कि एक ऐसा स्क्वायर नंबर ढूंढना है जिसके पास ये आता हो। जैसे कि हम जानते हैं कि 9 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 81, तो ये नंबर इससे बड़ा है, 83 हमारा 81 से बड़ा है, तो हमें 9 को सिलेक्ट नहीं करना है बल्कि इससे एक नंबर ज़्यादा हमें 10 को सिलेक्ट करना है, क्योंकि 10 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 100। तो हमने 10 को सिलेक्ट कर लिया। अब 10 के नीचे प्राइम नंबर्स, आप सभी को पता होंगे कि 10 के नीचे जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो सारे हमें लिखने हैं। तो 10 के नीचे 2, 3, 5, 7 ये वो नंबर्स हैं जो 10 के नीचे आते हैं। अब आपको ये करना है कि 1 by 1 83 को इन नंबर्स से डिवाइड करना है, और अगर किसी भी एक नंबर से ये नंबर डिवाइड हो जाता है तो ये एक प्राइम नंबर नहीं होगा, और अगर किसी भी नंबर से 83 हमारा डिवाइड नहीं होता है तो ये एक प्राइम नंबर होगा। तो 1 by 1 चेक करते हैं। तो 2 से चेक करने के लिए यहाँ पर हमारा यूनिट डिजिट, यानी ये लास्ट वाला जो नंबर है वो 0, 2, 4, 6, 8 ये होना चाहिए, तो ये 2 से डिवाइडेड नहीं है। अब हम 3 से चेक करेंगे तो इसका एडिशन हमें करना है, 8 और 3 हमारा हो जाता है कितना, 11, जो कि 3 से डिवाइडेड नहीं है, 5 से भी नहीं है। अब 7 से चेक करेंगे तो 7 1 7 यहाँ पर आया 1, 13 हमारा 7 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 83 इनमें से किसी से भी डिवाइडेड नहीं है, तो ये हमारा एक प्राइम नंबर हो गया, क्योंकि ये ना तो इससे डिवाइड होता है, ना इससे, ना इससे, ना। अब हमें पता करना है कि 627 एक प्राइम नंबर है या नहीं, तो कैसे करेंगे पता? वही स्टेप आपको करना है फॉलो। सबसे पहले इसके नियरेस्ट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 625, तो 625 हमारा 627 से तो छोटा है, तो हमें बिना कुछ सोचे 25 की जगह पे 26 को ले लेना है, इसके आगे वाला जो नंबर है, और इसे हमें सिलेक्ट कर लेना है। अब 26 के नीचे हमारे जितने भी प्राइम नंबर्स, अविभाज्य संख्याएं आती हैं वो सारी हमें लिख लेनी है। तो कौन कौन सी संख्याएं वो हमारी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 20, 21, 22, 23, 24, 25 भी नहीं है। तो ये वो नंबर्स हैं हमारे जो 27 के नीचे आते हैं और प्राइम नंबर्स हैं। अब आपको डिवाइड करके चेक करना है 1 by 1। तो सबसे पहले जैसे ही हम 2 से डिवाइड करते हैं, अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर
यूनिट डिजिट पर 02468 नहीं है। 3 से चेक करेंगे तो आपको ऐड करना है, तो 6 प्लस 2 हमारा हो गया 8, 8 और 7 हो गया हमारा 15, तो ये 3 से डिवाइड हो गया। बस इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि ये एक नॉट ए प्राइम, अगर ये एक प्राइम नंबर नहीं है तो ये एक कॉम्पोजिट नंबर होगा, क्योंकि 627 प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, बल्कि ये जबकि ये नंबर हमारा 3 से भी डिवाइड हो रहा है खुद के अलावा, इसलिए ये एक प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ये वो तरीका है, ये वो मेथड है जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। बस ज़रूरत है प्रैक्टिस की, आपको करनी है प्रैक्टिस जितनी हो सके, अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको, तो बड़ी आसानी से आप सीख जाएंगे कि कैसे पता करते हैं प्राइम नंबर। चलिए बात करते हैं एक और नंबर की, 241। हमें पता करना है कि ये एक प्राइम नंबर है या नहीं, तो सबसे पहले वही स्टेप आपको करना है कि इसके नियरेस्ट आपको एक स्क्वायर नंबर फाइंड करना है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जैसे कि 15 का स्क्वायर होता है 225, पर ये नंबर हमारा 225 से बड़ा है, तो आपको 16 ले लेना है, क्योंकि 16 का जो भी स्क्वायर होगा वो 241 से बड़ा ही होगा। अब 16 के नीचे जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स आते हैं उन सभी को आपको लिख लेना है। तो 16 के नीचे हमारे जो प्राइम नंबर्स आते हैं वो है 3, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। तो ये वो नंबर्स हैं जो हमारे 16 के नीचे आते हैं। अब आपको वन बाय वन चेक करना है डिवाइड करके कि किसी नंबर से 241 डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले आप 2 से चेक करेंगे, तो यहाँ पे 02468 नहीं है, तो 2 से डिवाइडेड नहीं है। 3 के लिए आपको ऐड करना है, तो 4 प्लस 1 हमारा 5 और 2 7, तो इससे भी नहीं है, 5 से भी नहीं है। 7 से करेंगे तो 21, और यहाँ आया 3 तो 7 से भी नहीं है। 11 से करेंगे 22, तो ये हमारा 11 से भी डिवाइडेड नहीं है। 13 से करेंगे तो 13 हमारा हो गया, और यहाँ आया तो ये 13 से भी डिवाइडेड नहीं है। 241 इनमें से किसी से भी डिवाइडेड नहीं है, तो इसका मतलब ये एक प्राइम नंबर है। अगर एक भी नंबर से हमारा 241 डिवाइड हो जाता तो ये एक कॉम्पोजिट नंबर बन जाता, ना कि प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि 20 का स्क्वायर हमारा 400 होता है, और 21 का जो स्क्वायर अगर निकालें तो वो होता है लगभग 441। तो 21 को सिलेक्ट ना करके हम सिलेक्ट करेंगे 21 का स्क्वायर, क्योंकि उसका जो भी आंसर होगा वो 453 से तो बड़ा ही होने वाला है। तो 21 सिलेक्ट किया। अब 21 के नीचे हमारे जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो सारे हम लिखेंगे। तो हम चाहते हैं 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, 17, 19। तो ये वो नंबर्स हैं जो हमारे 21 के नीचे आते हैं और वो प्राइम नंबर्स हैं। अब वन बाय वन आप फिर से डिवाइड करके चेक कीजिए कि किससे हमारा ये डिवाइड होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 2 से डिवाइड तो ये नहीं होगा, 3 से चेक करेंगे तो आप इनका ऐड करिए, 4 प्लस 5 9 हो गया, 9 और 3 हमारा 12, तो ये भी नंबर हमारा 3 से डिवाइडेड हो गया। आगे आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 3 से डिवाइडेड है, इसका मतलब ये कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा, नॉट प्राइम, तो ये एक कॉम्पोजिट नंबर होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम पता करते हैं प्राइम नंबर्स को। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने और कमेंट सेक्शन में आपको लिखकर बताना है कि ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं या नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे और किसी नए कॉन्सेप्ट के ऊपर। थैंक यू सो मच।